पॉपुलर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ अपने म्यूजिकल टूर दिलुमिनाटी के लिए चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में दिलजीत ने हैदराबाद में परफॉर्म किया था, लेकिन इस परफॉर्मेंस से पहले ही उन्हें तेलंगाना सरकार का नोटिस मिल गया, जिसमें लिखा था कि वो मंच पर शराब दारू जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद दिलजीत ने अपने शो में नोटिस मिलने पर बात करते हुए सरकार को चुनौती दे दी। अहमदाबाद में होने वाले शो में दिलजीत ने कहा कि आज हमें कोई नोटिस नहीं आया है। पहले ये वीडियो देख लीजिए। एक खुशखबरी है, आज मुझे कोई नोटिस नहीं आया। इससे बड़ी खुशखबरी एक और है, बात यहां पे रुकती नहीं है। इससे बड़ी खुशखबरी और है, आज भी मैं कोई गाना शराब पे नहीं गाऊंगा। नहीं नहीं, अच्छा पूछो क्यों नहीं गाऊंगा? क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। अच्छा, मैंने डिवोशनल गाने जो हैं वो दर्जनों से ज्यादा गाए हैं। पिछले 10 दिन में मैंने 2 गाने डिवोशनल निकाले हैं, एक शिव बाबा पे और एक गुरु नानक बाबा जी पे। लेकिन उसकी बात कोई नहीं कर रहा, हर बंदा टीवी पे बैठ के पटियाला पैक की बात कर रहा है। एक एंकर साहब बोल रहे थे, टीवी पे बोल रहे थे कि अगर कोई अभिनेता आपको अलग से बोले तो आप उसको बदनाम कर दोगे, सिंगर को आप मशहूर कर रहे हो शराब का गाना गाने के लिए। भाई मैं अलग से किसी को फोन करके नहीं बोल रहा कि आपने पटियाला पैक लगाया कि नहीं लगाया, राइट? अभी गाना गा रहा हूँ। अभी मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ वो शुरुआत से जान लेते हैं। कई दिनों से दिलजीत दोसांझ का इल्यूमिनाटी टूर चल रहा है, पहले देश के बाहर और अब देश में दिलजीत कॉन्सर्ट कर रहे हैं। इसी बीच हैदराबाद में भी कॉन्सर्ट हुआ। यहाँ कॉन्सर्ट से पहले तेलंगाना सरकार ने दिलजीत को नोटिस भेजा कि आप कॉन्सर्ट में वो गाने नहीं गा सकते जिनमें शराब दारू ड्रग्स जैसे शब्द हो। नोटिस मिलने के बाद दिलजीत ने अपने गानों से दारू और शराब जैसे शब्द हटा दिए। इससे जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दिलजीत दारू की जगह कोक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद दिलजीत का अहमदाबाद में कॉन्सर्ट हुआ और इससे जुड़ा एक वीडियो उन्होंने शेयर किया। इसमें वो मंच पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज मैं कोई गाना शराब पर नहीं गाऊंगा। पूछिए क्यों? क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। दिलजीत ने बॉलीवुड को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बॉलीवुड में दर्जनों गाने दारू पर हैं और मेरे सिर्फ 2 या 4। और बॉलीवुड में दर्जनों हजारों गाने हैं जो शराब पे हैं, मेरा एक गाना है, 2 गाने हो गए ज्यादा से ज्यादा, 2-4 गाने। मैं वो भी नहीं गाऊंगा, आज भी मैं वो गाने नहीं गाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। It's very easy for me to tweak the songs, bro. क्योंकि मैं खुद शराब नहीं पीता। It's very easy for me. लेकिन बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, वो शराब की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, दिलजीत दोसांझ एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। अब मेरे को छेड़ो मत। मैं जहां जाता हूं चुप करके अपना प्रोग्राम करता हूं, चला जाता हूं। आप क्यों छेड़ रहे हो मुझे? इसके आगे दिलजीत ने सरकार को चुनौती दे दी कि जितनी भी स्टेट है हमारे यहाँ पर, अगर वो अपने आप को ड्राई स्टेट घोषित कर देती है तो अगले ही दिन से दिलजीत दोसांझ शराब पर कोई गाना नहीं गाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक ऑफर भी दिया कि जहाँ जहाँ मेरे शो है आप एक दिन के लिए वहाँ शराब बैन कर दो। एक मोमेंट शुरू करते हैं, ये अच्छी बात हुई इन्होंने ये बात उठाई है। जिस अगर ये हमारे पूरी स्टेट जो है, जितनी भी स्टेट है हमारे यहाँ, अगर वो सारी अपने आप को ड्राई स्टेट घोषित कर देती हैं, अगले ही दिन दिलजीत दोसांझ अपनी लाइफ में कभी शराब पे गाना नहीं गाएगा। मैं प्रण करता हूं, हो सकता है ये बहुत बड़ा रेवेन्यू है। कोरोना में सब बंद हो गया था, ठेके बंद नहीं हुए थे जनाब। क्या बातें कर रहे हो आप यूथ को फुद्दू नहीं बना सकते। अच्छा एक और मौका दूं, एक इससे भी अच्छा ऑफर दूं, एक और। जहां जहां मेरे शो हैं वहां वहां आप एक दिन के लिए ड्राई डे घोषित कर दो, मैं शराब का गाना नहीं गाऊं। जब से ये वीडियो दिलजीत ने पोस्ट किया है तब से सोशल मीडिया पर ये वीडियो छाया हुआ है। इससे जुड़े और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए नेशन मिरर।